प्रकृति के प्रति यदि सम्मान और हृदय में प्यार है तो विज्ञान पूरी मानवता के लिए एक वरदान है। नमस्कार, मैं अनिल अग्रवाल आपके सवाल कार्यक्रम से स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ इसरो के साइंटिस्ट अंकित सिंगला जी। अंकित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार सर जी, बहुत बहुत थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। जी, आप इतनी कम उम्र में इसरो से जुड़े हैं, ये बहुत फख्र की बात नहीं है? सर देखिए, उम्र तो एक एक्सपीरियंस है। जी उम्र कोई किसी एक्सपीरियंस में जुड़ता है, कोई कब जुड़ता है। जी वो एज, मेरे मानना है सर, एज इज जस्ट अ नंबर। जी यहाँ पर ऐसे देखे जाते हैं कि 25-22 ईयर्स वाले भी हैं, तो तो ऐसा नहीं इसमें है। इसमें इसरो साइंटिस्ट आप जो बने, इसके लिए आपने क्या क्या क्वालिफाई किया? सर जो इसरो साइंटिस्ट, एक्चुअली इसरो साइंटिस्ट की कई प्रकार से रिक्रूटमेंट होती है। जी जिस तरीके से मैंने एंट्री की है वो है ICRB, ओके इसरो सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट बोर्ड। ओके इसके लिए आपको बीटेक के बेस पे आपको एग्जाम देना होता है। आफ्टर एग्जाम इट्स अ क्वालिफाइड इंटरव्यू, तब आपको इंटरव्यू देना है। टोटली ये इंटरव्यू पे डिपेंड करता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो आपको तो कितने कितना टाइम हो गया इसमें जुड़े हुए? सर इसरो में मुझे 1 साल हो चुका है, तकरीबन अच्छा, ऑलमोस्ट 1 ईयर हो चुका है। ठीक ठीक है। तो थोड़ा सा मैं अंकित जी जानना चाहूंगा, इन कंपैरिजन टू नासा, इसरो को आप कंपेयर कर सकते हैं? देखिए सर, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, जी हमारी कुछ अपनी प्रॉब्लम्स है, जी अपनी चुनौती है, जी और लेकिन नासा एक बहुत ज्यादा पहले डेवलप हो चुका है। लेकिन जी इसरो अब जिस स्पीड से आगे जा रहा है मैन मिशन में, आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी, क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी में ओनली 6 कंट्रीज हैं एंड इंडिया इज वन ऑफ अमंग देम। ओके एंड क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, जिसमें इंडिया ने ओके महारत हासिल कर लिया है ये टेक्नोलॉजी एंड क्या वेरी है थोड़ा सोर्स। बताएंगे? सर क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी है जिसमें एक क्रायोजेनिक इंजन यूज होता है ओके बहुत लो टेम्परेचर पे। उसमें पूरा उसको डिजाइन करना, वाल्व, कंप्रेसर, पंप्स, माइनस माइनस टेम्परेचर पे, जिसमें हम लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड हीलियम यूज करते हैं, तो ये इस चीज को वेरी कॉम्प्लिकेट बना देता है। मटेरियल का सिलेक्शन करना, किस तरीके से फ्लो हो रहा है, सो मेनी साइकिल्स आर देयर। इसमें सिर्फ आज तक की 6 कंट्री ही इन्वॉल्व कर चुकी है। ये इस बात को दर्शाता है कि ये टेक्नोलॉजी कितनी कॉम्प्लिकेटेड है। इसरो का मेन मकसद क्या है? मैनकाइंड के लिए, मतलब उसका कल्याण करना है, मानव जीवन का, या विकास करना है, या क्या है, इसके अलावा कुछ है? सर इसरो, जब इसरो का नाम आता है लोग सोचते हैं कि स्पेस में रॉकेट जा रहा है, जी पर ऐसा नहीं है। हाँ, वही बाकी मैं चारों आपसे ग्रह जानना पे, चाह रहा हूं, आप क्योंकि अंदर हैं तो हम लोग जो मानते हैं कि एज ए लेमैन, इसरो का मतलब है एक रॉकेट जाना, स्पेस में जाना, आप थोड़ा डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग इसरो? मीनिंग सर इसरो जैसे देखिए, एक स्पेस इंडस्ट्री को यूज किया गया है मैनकाइंड के लिए। ठीक है जैसे हम अभी आप बात कर रहे हैं, ये भी एक सैटेलाइट से ही पॉसिबल है। जी जितने ड्रफ्ट फ्लड आते हैं या सूखा पड़ता है, सबको मॉनिटर कर सकते हैं। जितने रिसोर्सेज अवेलेबल है सबको हम सैटेलाइट से मॉनिटर कर सकते हैं, ओके रॉकेट्स है। अब जैसे आप एक काम कर लीजिए, जैसे आप इंडिया में हैं, जी हम इंडिया में रहते हुए दूसरे देशों पर भी ध्यान रखते हैं ताकि इंडिया सेफ रहे। वैसे ही धरती भी सिर्फ एक ही है, अर्थ एक ही है, तो ये हमारा बनता है कि अदर 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 जो मून है या फिर मार्स आए, उसमें क्या चल रहा है। क्योंकि इतिहास में सर ये देखा गया है ना कि एक बार क्या होता है, कोई भी प्लांट होता है, कुछ भी होता है, वो रेवोल्यूशन चलता रहता है, डिस्ट्रॉय होता रहता है, फिर चलता रहता है। तो हमें भी एक अल्टरनेट सोर्स का तो देखना होगा कि जैसे इसीलिए मार्स मिशन चल रहे हैं, मून मिशन चल रहे हैं, सो दैट कि अगर अचानक कुछ ऐसा हो, कुछ भी हो जाए, सो वी हैव अदर ऑप्शंस, ताकि मैनकाइंड को, एक मैन की जो एवोल्यूशन है उसको बरकरार रखा जाए। और यही नहीं, मेन ये है कि रिसोर्सिस का यूज करना, सभी प्रकार के किसानों को हम डाटा देते हैं, और जितने भी GSLV हैं, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, सब चीजों में इसरो आगे है और ये बहुत ही बखूबी से इसमें काम कर रहा है सर। तो आप ये मानते हैं दूसरे ग्रह पे भी आप मान सकते हैं कि जीवन है, इसरो क्या का क्या मानना है इस बारे में? सर देखिए, जो दूसरे ग्रह पर जाना, अभी तो हम मून और मार्स पे ही गए हैं, उसके लिए हम नॉर्मल नॉर्मल रॉकेट से जा सकते हैं। लेकिन दूसरी यूनिवर्सिटी क्या है, यूनिवर्स क्या है, गैलेक्सी क्या है, उसके लिए थोड़ा हाई टेक्नोलॉजी चाहिए, और आई कैन से न्यूक्लियर रॉकेट चाहिए। तो अभी उसके ऊपर है, रिसर्च चल रही है, और इन फ्यूचर मे बी इट इज पॉसिबल, बट इन अदर प्लांट्स
मार्स पे मून पे वाटर अवेलेबल है, सो वहां जीवन यापन हो सकता है और इसमें कोई शक नहीं है। अभी मतलब प्रूफ नहीं हुआ है कि जीवन है या नहीं है, पानी के आधार पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हाँ, जीवन पॉसिबल है वहां। अभी कुछ इसी इसी दशक में 2030 से पहले आप देखिएगा मून पे लोग एक ट्रिप बन जाएगा, मून पे जाना, मार्स में रहना जाना, वहां कॉलोनाइज बन जाएंगी, वहां रहना स्टार्ट हो जाएगा। और इस दिशा में बहुत ज्यादा काम 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 हो रहा है। गगनयान मिशन इंडिया का वो इसी दिशा में काम कर रहा है। नहीं तो ये टाइम जो अभी आज लगता है 2030 तक आप बता रहे हैं, इसमें टाइम भी कम लगेगा पहुंचने में वहां तक। हाँ, फिर तो सर देखो टेक्नोलॉजी तो डेवलप होती रहती है। पहले हम सिर्फ स्पेस में जाते थे, अब मून पे जाते हैं, हमारे नासा के लैंड रोवर्स मार्स तक पहुंच चुके हैं और आगे भी सर्च चल रही है। जैसे जैसे नीड बनती रहती है, टेक्नोलॉजी डेवलप होती रहती है। आज जैसे आप इसमें तो कोई आप साइंस में प्रकाश की गति को सबसे तीव्रतर मानते हैं, स्पीड ऑफ लाइट से। हाँ, तो इसके ऊपर भी कोई गति हो सकती है प्रकाश की गति से? प्रकाश की गति अभी के हिसाब से सर स्पीड ऑफ लाइट ही सबसे ज्यादा है, और जो हमारे रॉकेट्स हैं वो स्पीड ऑफ लाइट से बहुत ज्यादा कम है, थाउजेंड ऑफ टाइम्स लेस। थाउजेंड अगर हम ऑफ दूसरे यूनिवर्स दूसरे गैलेक्सी में जाना है, दूसरे यूनिवर्स में जाना है, जैसे हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है, तो हमें उससे तेज चलना पड़ेगा, वैसे रॉकेट बनाने पड़ेंगे जो स्पीड ऑफ लाइट को फॉलो कर सके। ये पॉसिबल है, टेक्नोलॉजी ये पॉसिबल है सर, फ्यूचर में पक्का इसमें काम हो रहा है। और देखिए पहले तो ऐसे भी लगता था कि हम कॉल कर सकते हैं, मैं आपके साथ कॉल कर सकता हूँ, बात कर सकता हूँ, ये आज ठीक पॉसिबल हो चुका है, आप मेरे ठीक सामने बैठे हैं। आने वाले टाइम में ऐसा होगा मैं आपको फील कर पाऊंगा कुछ सेंसर्स की हेल्प से, आपको एक्सपीरियंस हो चुका है। पहले हम फोन भी एक वो था कि फोन नहीं है, बात नहीं कर सकते ऐसे, तो ये सब पॉसिबल है। साइंस टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस जा रही है स्टेज में, जो भी हम सोचते हैं वो नहीं, ये इम्पॉसिबल है, वो हो जाएगा। जैसे हम ये मानते हैं प्रकाश की गति तीव्रतम है इस समय, तो उसके आधार पर जो हमारे स्टार्स हैं वो कई प्रकाश वर्षों की दूरी पर हैं, तो उसके बावजूद भी हमें उनकी लाइट दिखती है, तो वो एक्चुअल दिखती है या उनका एक विजन दिखता है लाइट का? नहीं सर, एक्चुअली वो जो लाइट है वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। ओके तो एक टाइम के बाद है जो पृथ्वी पे पहुंच रही है, जैसे अब सन है, सन की जो हमारे पास रेज है कुछ 8 मिनट 52 सेकंड में हमारे पास पहुंचती है। तो ऐसा है कि जैसे अभी अभी के समय के लिए जो प्रेजेंट टेक्नोलॉजी है हमारे पास, इतना हम फ्यूल नहीं यूज कर सकते कि हम दूसरी जगह जा पाए। इसके लिए कुछ ऐसी अनलिमिटेड टाइप्स की एनर्जी चाहिए, जिसके लिए मैं कह सकता हूँ न्यूक्लियर एनर्जी चाहिए जो एक लॉन्ग टर्म तक चल सके। वैसे रॉकेट्स चाहिए जो काफी टेम्परेचर को सहन कर सके, कोल्डनेस को, हॉटनेस को। सो आने वाले टाइम में हर एक चीज में काम हो रहा है, एक नए से नए मटेरियल डेवलप किए जा रहे हैं जो हमें लगता है कि यार ऐसा नहीं होगा। आपको एक चीज और बता देता हूँ मैं, स्पेस के लिए जो टिकट्स हैं वो भी काफी बुक हो चुकी हैं। इसलिए ये लोगों ने प्राइवेट, ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन कोई कर रहा है या इसरो कर रही है इसके लिए? अभी इसरो नहीं कर रही है सर, अभी प्राइवेट्स हो रहे हैं। जैसे अमेरिका की कुछ प्राइवेट कंपनी है जिन्होंने बना लिया कि 2023 तक हम स्पेस टूरिस्ट स्टार्ट कर देंगे। जैसे आप इधर साउथ में घूमने आ गए, वैसे चलो आज चांद पे चलते हैं, आज मार्स पे चलते हैं, तो ये नॉर्मल हो जाएगा। ओके, क्या कभी किसी टेक्नोलॉजी से सूरज के पास भी जाया जा सकता है? बिल्कुल सर, अभी पार्कर प्रोब है एक नासा का रोवर है, ये अभी उसके एक्चुअली सूरज के भी एक स्टडी की गई है, उसके भी 5-6 पॉइंट है। ओके, ऐसा नहीं कि जैसे L1, L2, L3 पॉइंट्स है वहां पर आप जा सकते हो। हमें ऐसा मटेरियल डेवलप करना पड़ेगा जो हाई टेम्परेचर को बियर कर सके, सहन कर सके, और इसमें रिसर्च बहुत ही ज्यादा हो रही है। तो कुछ आप पॉइंट्स जैसे, हैं, हाँ बताएं बताएं प्लीज क्या कह रहे हैं? सर कुछ पॉइंट्स हैं सन के, वहां पर जाना, ये पेपर पब्लिश हो चुके हैं कि इन पॉइंटों पे जाना वेरी पॉसिबल है। उसके लिए थोड़ा मटेरियल्स थोड़े हमें और ज्यादा इम्प्रूव करने होंगे जो उस टेम्परेचर को बियर कर सके। आपके हिसाब से साइंस की या टेक्नोलॉजी कोई लिमिट कभी नहीं हो सकती? नहीं, नो लिमिट सर, स्काई इज द लिमिट होंगे। अच्छा, आप ईश्वर को और साइंस को अगर पहले बात करें तो कैसे मानते हैं, इसके बारे में क्या विचार रखते हैं? ईश्वर में देखिए, ईश्वर और साइंस दोनों पॉजिट नहीं है वैसे, तो ये कुछ ना कुछ तो है जो इस यूनिवर्स में है, डिफरेंट गैलेक्सी है, और उसको समझना कोई बात नहीं है। कोई कह देता है ये ईश्वर है, ये है, वो अपना एक अलग है। साइंस टेक्नोलॉजी एक है जिन्होंने हमें बनाया है, क्रिएट किया है, तो दोनों मैं तो डिफरेंट मानता नहीं सर इन चीजों को। उन्होंने हमें दिया है, जीवन दिया है, और वही लेते हैं, कुछ तो है।
इस बॉडी को छोड़ के कुछ और चीज तो है, मेरा इसमें बहुत विश्वास है। बहुत बढ़िया। आप कभी स्पेस में गए हैं? नहीं सर अभी तो नहीं, इन फ्यूचर्स में जब ऑप्शंस बहुत अवेलेबल होंगे, टिकट्स आर अवेलेबल होंगी, इजीली होंगी, चीपेस्ट होंगी, तो हम क्या सभी जाएंगे सर। तो इसरो आजकल लोग प्लान, इसरो और किस प्लान दिशा कर में रहे है? हैं। इसरो और किस दिशा में काम कर रहा है अंकित जी? इसरो सर अभी तो प्राइमरी हमारा फोकस है मैनकाइंड मिशन पे, ओके। दैट इज गगनयान। अभी सभी जो टेक्नोलॉजी है, सभी उसकी रिलायबिलिटी को देखते हुए डेली टेस्ट होते हैं, और मेनली इस टेक्नोलॉजी में काम कर रहा है कि सर जो हमारी कॉस्ट है सैटेलाइट को ऑर्बिट में डालने की, वो कम से कम की जा सके। तो इसी के लिए रियूजेबल लॉन्च व्हीकल्स हो चुके हैं, इनके ऊपर काफी ज्यादा काम हो रहा है ताकि कॉस्ट को कम से कम किया जा सके। सो एवरी कंपनी कैन अफोर्ड दिस, अभी इन चीजों में ज्यादा। अभी अपने इंडिया के कितने सैटेलाइट स्पेस में घूम रहे हैं? सर ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, हर टाइम पे हर मंथ में आप देखते रहोगे सैटेलाइट लॉन्च होते रहते हैं, उनकी कुछ लाइफ भी उनकी कुछ लाइफ भी होती है, वो डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं, जैसे कोई सैटेलाइट 10 साल के लिए है, कोई 15 साल के लिए है, तो ऐसा तो कुछ कह नहीं सकते। ये डाटा तो इसरो के पास ही होगा कि इंडिया के इतने सैटेलाइट होंगे। बाकी आप बताएं कि मतलब आपके क्या ड्रीम है, क्या आप बनना चाहते हैं? सर मेरा ड्रीम, देखिए सर ड्रीम तो ना एक वक्त के साथ चेंज होता है, आपको थोड़ा समय के साथ ना इंटरेस्ट चेंज होता रहता है। जब मैं बचपन में था तो मैं सोचता था, मैं बंटे खेला करता था, मैं सोचा इसमें अच्छा करेंगे, फिर साइकिल पे, फिर एक टीचर के कांटेक्ट में आए, वो आर्मी में थे, तो फिर मुझे लगा आर्मी में और जाना चाहिए मुझे। देखिए ये चेंज इंटरेस्ट चेंज करता रहता है, समझ रहे हैं आप। तो और मैं तो कह रहा हूँ एक्सप्लोर करिए, एक ऑप्शन नहीं मिल पा रहा तो आप दूसरा ऑप्शन तैयार रखिए। मैंने आर्मी में 7 SSB दिए थे सर, उसमें मेरा हुआ नहीं, तो मैंने एज ए बैकअप ऑप्शन रखा, इंजीनियरिंग की तैयारी करी, इंजीनियर में पढ़ा, गेट क्वालिफाई किए, फिर मैंने MES मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में काम किया। उसके बाद वहां काम करने के बाद ऐसा लगा कि थोड़ा और आगे कुछ करना चाहिए। जीवन को एक्सप्लोर करिए आप, ऐसा नहीं है कि यार मेरा ये नहीं हुआ बस खत्म काम, इसको मजा लीजिए, जितना मजा होगा उतना बढ़िया है। आप एज ए साइंटिस्ट इसरो में क्या चीज देख रहे हैं? सर एज ए साइंटिस्ट है, एक इसरो एक प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बहुत ही अच्छे तरीके से काम हो रहा है। एक आप अपनी एप्लीकेशन को यूज कर पा रहे हैं जो आपने सीखा है। एक इसरो एक ड्रीम हो जाता है, जैसे एक IAS ड्रीम है, एक इंजीनियरिंग के लिए इसरो भी एक ड्रीम है। इसरो हो गया, DRDO हो गया, बाबा टोमी का सर सेंटर हो गया, उसमें आप काफी यूज अपने कुछ यूज कर सकते हैं टेक्नोलॉजी को, जितना आप ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हैं कर सकते हैं, सोर्सेज आर अवेलेबल, और टैलेंट की बहुत यहाँ समान है। आप कुछ साबित कीजिए, आपको जितना फंड चाहिए आप प्रूव कीजिए अपने सीनियर्स को कि सर आई वांट टू डू दैट इन दिस पर्टिकुलर एरिया एंड दे विल हेल्प यू। जैसे हम लोग, आपने बताया कि हम लोग जैसे इसरो को अभी तक स्पेस वाली टेक्नोलॉजी मानते थे, रॉकेट वाली, आपने बताया मैनकाइंड के लिए बहुत कुछ करता है इसरो, और भी कुछ बताएंगे इसके बारे में? और क्या सर इसरो इसरो मोस्टली चीजें करते हैं, जितने भी डाटा होते हैं, आज बारिश होगी नहीं होगी, फ्लड कहाँ है, सोर्सेज कहाँ है, और सोर्सेज पता करता है, आपका जितना भी कम्युनिकेशन हो रहा है, ब्रॉडबैंड, ट्रांसजेंडर हो गया, ये सब में इसरो सबसे आगे है। अंकित जी कभी कभी अनुमान गलत क्यों निकल आते हैं मौसम के बारे में या और भी चीजों के बारे में? माफ कीजिएगा किसके बारे में? मौसम के बारे में कई बार अनुमान गलत निकल आते हैं, तो वो कोई टेक्निकल फॉल्ट होता है या और कोई रीजन होता है? नहीं सर ऐसा नहीं है, हम जैसे आई नो जैसे स्फेयर से कई लायर्स होती है ना, प्रोपोस्फेयर, स्ट्रोपोस्फेयर, आइनोस्फेयर, मीसोस्फेयर, उनमें हम एक्सपीरियंस के बेस पे जो हम उसके लिए जैसे साउंड रॉकेट लॉन्च करते हैं उसमें क्या चल रहा है, किसका है, वो कहाँ जाके टकरा रहा है, अब बारिश का देखेंगे बारिश कैसे हो रही है, तो उसमें कई फैक्टर्स आ जाते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबली ये होगा इसके बेस पे, मैथमेटिक्स के बेस पे ये प्रिडिक्शन किया जाता है। अच्छा, अभी जैसे पिछले कई सालों से कहा जा रहा है कि ये स्पेस में अंतरिक्ष में जो एक क्या होता है ओजोन की जो लेयर है उसमें सुराख हो गया है, उसके बारे में ये लोग कहते हैं सही है या क्या मानते हैं उसको? नहीं, ओजोन की लेयर देखा हमें यूवी से प्रोटेक्ट करती है, ओके। और उसकी उसका उसका रीजन कई प्रकार के ग्रीन हाउस गैसेस हैं, क्लोरो फ्लोरोकार्बन है, तो अब जैसे हम इनके बारे में अवेयर होते हैं पता चलता है तो उनको बैन कर दिया गया है,
ताकि ये सुराख ना हो और हम यूवी से प्रोटेक्ट रहे। और इसमें आप जितने भी देखोगे, आप गवर्नमेंट है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है, काफी इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं कि इन चीजों हानिकारक जो रेफ्रिजरेंट है इन चीजों का यूज नहीं करना। तो लेटेस्ट अपडेट क्या है, वो सुराख कुछ कम हुआ है या यथावत है या बढ़ रहा है? सर सुराख जिस देखो जिस प्रोग्रेस से वो बढ़ रहा है वो कम हो चुका है, क्योंकि उन उन सभी चीजों को बैन करते जा रहे हैं। ओके हमारे पास कई यूएन आप वर्ल्ड वाइड देखोगे कई मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है जो साइन किए गए बाय एवरी कंट्री दैट कि मैं अपना ग्रीन हाउस कम कर दूंगा, मैं अपने कार्बन मिशन कम कर दूंगा। तो इसको देखते हुए जा रहे हैं, जो जिस स्पीड से वो सुराख बढ़ रहा था आप ऐसा कह सकते हैं, वो कम होना स्टार्ट हो गया है। जब कम होना स्टार्ट होगा फिर वो दोबारा से बनना भी स्टार्ट हो सकते हैं। ओके, उसमें सुधार हो रहा है आपके कहने का मतलब है। ठीक बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक, हमारे युवाओं के लिए, युवाओं के लिए, दर्शकों के लिए कुछ कहना चाहेंगे सर जो? युवाओं के लिए कहना चाहिए कि मेहनत करिए, ऑनलाइन गेम्स मत खेलिए, लूडो मत खेलिए, फायर फाइटर्स गेम होती है उनको मत कीजिए, अच्छे सोर्सेज का यूज कीजिए, जीवन में आगे बढ़िए। एक चीज आप सफल नहीं कर पा रहे तो दूसरी चीज रखिए, बैकअप रखिए हमेशा। अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम है, अमिताभ बच्चन है, वो एसएसबी नहीं कर पाए, उन्होंने किसी और चीज को चुना, उसमें आप पता ही आप कितनी महारत हासिल की है। दिल छोटा मत कीजिए। और मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जीवन में जो चल रहा है ना संघर्ष, उसको एंजॉय कीजिए, उससे ही आपका आप बहुत ज्यादा फेमस होंगे, आप जो चाहना चाहते हैं वो पाएंगे। आप किसी से प्रेरित हैं? सर इनिशियली मैं अपने फादर मेरे बहुत प्रेरित करते थे कि लड़का मेरा ऑफिसर बनेगा, ये बनेगा। और मेरा मानना ये है कि आप सभी देखे सभी के बारे में अच्छी अच्छी क्वालिटीज होती है, आप किसी को भी लोगे बड़ी पर्सनैलिटी को तो आप चुनते रहिए, ठीक है कि मुझे इसमें अच्छा लगा, आई विल इम्प्लीमेंट इट, इजंट इट। और चॉइसेस चॉइसेस आप अच्छी तरह मतलब जिसका आप चॉइस कर रहे हैं, जैसे कि मुझे हैप्पीनेस चॉइस करनी है, मुझे ये चॉइस करनी है, मेरा मतलब चॉइसेस के बेस में है। एक वो फेमस कहानी है ना कि बी टू डी बर्थ टू डेट के बीच में एक सी आता है चॉइस, आपका चॉइसेस ही आपका जीवन बनाती है सर, कि आप क्या चॉइस कर रहे हो, आप खुश रहना, आप मेहनत करना, आप फेलर हो गया आप उसको ना चूज करके और एग्जाम की तैयारी करना चूज कर रहे हैं, तो चॉइसेस होश होश में कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। मेरा मानना है इनर एनर्जी है जो अपनी, एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, मन की शक्ति को स्ट्रॉन्ग बनाए, आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। आप कोई ऐसी कोई आप कोई ऐसी चीज ईजाद करना चाहते हैं जो एकदम से वर्ल्ड के लिए, दुनिया के लिए नई हो? सर देखिए इस प्रोसेस में हम काम कर रहे हैं, जैसे डिफरेंट डिफरेंट हमारी टेक्नोलॉजी का है जो इसरो के, जैसे इसरो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इस सेक्टर में ये काम कर रहे हैं, इस सेक्टर में ये काम कर रहे हैं, तो जिस एरिया में मैं काम कर रहा हूँ उसमें हम हमेशा ये देखते हैं कि इसको और एडवांस कैसा बनाया जाए, इसको और अच्छा कैसा बनाया जाए। आप मेरी बात समझ रहे हैं सर? तो इस चीज में जिस भी चीज में मैं काम कर रहा हूँ सर, उसको हम देखते हैं कि एक इंजीनियरिंग का ये ड्यूटी होती है, हाउ आई मेक दिस सिस्टम मोर बेटर, मोर रिलायबल, मोर चीपेस्ट। तो उसी डायरेक्शन में हमारा भी काम है, जो हमें काम दिया गया है उसमें और काम करें और अच्छा करें। तो जैसे आजकल के युवाओं का आप जैसी फील्ड में आने का रुझान है या वो और दूसरे ट्रैक पर चल रहे हैं, आपको क्या लगता है? थोड़ा सा आजकल क्या है, दो प्रकार के कंटेंट है, एक अच्छा भी कंटेंट है, एक बुरा कंटेंट भी है। फिल्में भी अवेलेबल है यूट्यूब पे, और अच्छा कंटेंट इंटरव्यू भी है, जोश टॉक भी है, टेड टॉक्स भी है, आपका चैनल है जिसमें आप डिफरेंट डिफरेंट पर्सनैलिटी को लेके आते हैं जी। तो मेरा फिर वही कहना है, चॉइस आप क्या देखना पसंद कर रहे हैं, आप जैसी चॉइस डालते हैं आप वैसा ही बन जाते हैं। तो मेरे जो युवा है उनको मैं यही कहना चाहूंगा कि अपनी चॉइस अच्छी बनाए, अपने मन की शक्ति को बढ़ाए और इंजॉय करें इस प्रोसेस को, और हारे मत यार, कुछ भी बन जाएंगे आप, अब करते रहे। मैंने आज तक सिंगल कैंडिडेट नहीं देखा जिसने मेहनत की और वो कुछ लगा नहीं। हमारे यहाँ कंपनियों से आते हैं लोग, कह रहे सर हमारे पास बंदों की कमी है, स्किल्स की कमी है, जो बहुत है, अब मेहनत करो, कुछ सीखो, करो, आगे बढ़ो। नहीं, जैसे आजकल युवा मनी माइंडेड हो गया है तो वो पैसे को देखता है, पैकेज को देखता है, अपनी स्किल के तो बेस्ट यूटिलाइज ना होकर अपना ये देखता है उसको रिटर्न क्या मिल रहा है, तब वो चलाता है कि मैं बेरोजगार हूँ, मुझे जॉब नहीं मिल रही। क्रिप्टो में लगे हुए इसमें लगे हुए, देखिए ये काम कीजिए, पर एक बार आप स्टेबल हो जाइए, लड़कियों के पीछे भागे हुए, एक बार आप स्टेबल हो जाइए
अपना एक एक सेल्फ रिस्पेक्ट डेवलप कर लीजिए, कुछ अच्छी पोजीशन पे जो आप बनना चाहते हैं उसके बाद करें, जीवन का आनंद ले। एक ओशो गुरु है जी, है उन्होंने बहुत अच्छी बात किया कि जीवन आनंद के लिए ही है, आप उसको एंजॉय करें, हर पल आनंद ले, हर पल आनंद रहे, खुश रहे, स्ट्रगल को एंजॉय करें। और देखिए मेरा मानना है स्ट्रगल कभी जीवन में हमेशा रहता है। अभी हम इसरो साइंटिस्ट में है, यहाँ भी हम कुछ ना कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं रॉकेट्स के साथ, पर हम इसको एंजॉय कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो इसको एंजॉय कीजिए। राम श्री राम बन गए स्ट्रगल को एंजॉय करके, बुद्ध महात्मा बुद्ध बन गए, तो एंजॉय कीजिए जो भी आ रहा है। भगवान ने पक्का पूछेगा कि आपने एंजॉय किया कि नहीं किया, मैंने इसलिए आपको भेजा था। आपके विचार बड़े नहीं हुआ कुछ न, आपके विचार बड़े सुंदर लगे मुझे सुनकर। तो आपको ऐसा फील होता है कि देशभक्ति के लिए आप जो कुछ कर सकते हैं वो कर रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल, और बहुत अच्छी तरह करेंगे सर, जितना हो सकता है उतना करेंगे। और मैं बता रहा हूँ, मैं अब इंजॉय करता हूँ हर एक चीज को, चाहे मुझे कितना ही काम मिल जाए इसको इंजॉय करते हैं। नहीं होता, हम सीनियर्स को कह देते हैं सर नहीं हो रहा है, वो हेल्प करते हैं और खुश रहते हैं। आज मेरे पास जॉब नहीं होती, कुछ ना कुछ करते, इतने सोर्सेज अवेलेबल है, बट यू हैव टू मेक द चॉइस कि मुझे क्या करना है। ऑनलाइन आप कर सकते हो, बस ये थोड़ा इन चीजों से बाहर आइए जो भटका रही है दूसरी चीजें, टिकटॉक हो गया या गेम्स हो गई। हम देखते हैं रेलवे में जाते हैं, सफर करते हैं तो लूडो खेल रहे हैं लोग। तो किताब पढ़िए, भगत सिंह को पढ़िए, स्वामी विवेकानंद को पढ़िए, देखिए कितनी एनर्जी आती है आपके अंदर, ऐसा लगेगा कि कुछ भी कर देंगे। बहुत बढ़िया, कोई ऐसी बात जो बताना चाहेंगे जो मेरे सवालों से हटकर हो या रह गई हो इसरो के बारे में या अपने विज्ञान की प्रगति के बारे में? देखिए सर, स्टूडेंट के लिए तो मैं यही कहना चाहूंगा, जो भी बनना चाहते हैं ना उसके लिए मेहनत करिए दोबारा, और आपकी मेहनत कहीं ना कहीं सक्सेस जरूर होगी। आप ये नहीं बन पाए तो दूसरा बन जाओगे। कभी भी मेहनत कभी भी वेस्ट नहीं जाती। मैंने आज तक सिंगल पर्सन ही देखा जिसने मेहनत की हो और उसको कुछ नहीं मिला हो, वो कहता है यार मजा आ गया। और जो मेहनत करके स्ट्रगल करके बनता है ना, उसकी वैल्यू अलग है। चलिए, कोई आपने भी चीज, हमारी युवा दर्शकों के लिए बहुत अच्छा मोटिवेशनल उनको गाइड किया है, और इस तरह की प्रेरणाओं से लोग निश्चित ही लाभान्वित होंगे। हमारे चैनल के लिए कुछ बोलना चाहेंगे? सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप एक आपकी स्माइल है जो हमेशा रह रही है जी, ना, थैंक तो यू। आपसे ये सीखने को मिलता है कि हमेशा मुस्कुराते रहिए। आप आपके चैनल से डिफरेंट डिफरेंट पर्सनैलिटी को कर रहे हैं, आप उसको एक्सप्लोर करिए, देखिए इनको, आप ये फिल्मों से इनसे छुटकारा पाके चैनल्स देखिए, ये चीजें देखिए, आपकी नॉलेज बढ़ाइए। एक बहुत ही अच्छे, किसी ने कहा है कि नॉलेज इज द मिल्क ऑफ फ्लोइन, उसको पिए और दहाड़े। बहुत बढ़िया, आप मतलब साइंटिस्ट हैं, उसके बाद भी आप बिल्कुल जैसे ओशो वाली एक प्रीच पे भी काम करते हैं, आप ओशो को सुनते हैं लगता है। बिल्कुल सर, मैं ओशो को सुनता हूँ, चार्य प्रशांत को सुनता हूँ, बुद्ध को सुनता हूँ, सबको सुनता हूँ। ये बहुत अच्छी चीज है, मन को स्ट्रांग बनाइए अपने। हाँ, काम के साथ ये सब चीजें भी चलने से आदमी का विकास निश्चित होता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, फोकस बढ़ जाता है आपका। चलिए अंकित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बेशकीमती समय दिया, और ईश्वर करे आप अपने मकसद में कामयाब हो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर।